तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजीजे और मैं आपका दोस्त अमजद ताहिर। दोस्तों, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए आपके पास होंगे 5 सेकंड। दोस्तों, अगर आप इन सवालों का जवाब पहले से जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारा पहला सवाल, टाइफाइड बुखार में मनुष्य के शरीर का यानी इंसान के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, टाइफाइड बुखार मनुष्य के शरीर में आंत को प्रभावित करता है। हमारा दूसरा सवाल है, मनुष्य के शरीर में यानी इंसान के शरीर में संक्रमण रोकने में कौन सा विटामिन मदद करता है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, मनुष्य के शरीर में संक्रमण रोकने में विटामिन ए मदद करता है। हमारा तीसरा सवाल है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन से खनिज पदार्थ की जरूरत होती है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए लोह खनिज यानी आयरन की आवश्यकता होती है। हमारा चौथा सवाल है, मनुष्य के शरीर में आयोडीन यानी नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, मनुष्य के शरीर में आयोडीन यानी नमक की मात्रा 4% होती है। हमारा पांचवा सवाल है, भोजन करने के बाद तुरंत पानी पीने से मनुष्य के शरीर में कितने रोग हो सकते हैं? खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीने से हमारे शरीर में 103 रोग हो सकते हैं, इसलिए खाने के एक घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। हमारा छठा सवाल है, मनुष्य के दिमाग पर शराब का असर होने में कितना समय यानी टाइम लगता है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, मनुष्य के दिमाग पर शराब का असर होने में 6 मिनट का समय यानी टाइम लगता है। हमारा सातवां सवाल है, गाय का दूध किस तत्व की उपस्थिति के कारण पीला होता है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, गाय का दूध कैरोटीन तत्व की उपस्थिति के कारण पीला यानी येलो होता है। हमारा आठवां सवाल है, मनुष्य में यानी इंसान में चेचक रोग होने का मुख्य कारण क्या है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब, मनुष्य में चेचक रोग होने का मुख्य कारण वेरिओला वायरस होता है। हमारा नौवां सवाल, पीलिया रोग किस संक्रमण के कारण होता है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। पीलिया यानी ज्वाइंडिस रोग लीवर के संक्रमण होने के कारण होता है। हमारा दसवां और आखिरी सवाल, रक्तदान करने से कौन सी बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है? अपना आंसर कमेंट कीजिए। सही जवाब है, रक्तदान करने से दिल की बीमारियां और कैंसर जैसी घातक बीमारियां होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दीजिए अपने दोस्त को। यह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।